हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये ऑटोकैड के ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के बारे में होने वाला है। सबसे पहले हम शॉर्टकट देखेंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के लिए शॉर्टकट रहता है DS Enter। DS Enter करने के बाद में जब एंटर करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स आती है, जैसा कि स्नैप एंड ग्रिड रहता है, पोलर ट्रैकिंग रहता है, ऑब्जेक्ट स्नैप रहता है, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप रहता है, डायनामिक इनपुट रहता है, क्विक प्रॉपर्टीज रहता है और सिलेक्शन साइकिल रहता है। ठीक है, तो इतने ऑप्शंस रहते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट स्नैप जो हम देखते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हम स्नैप करते हैं वो चेक अनचेक हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्ट ऑल करना है, क्लियर ऑल करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा 3D ऑब्जेक्ट स्नैप भी कर सकते हो, या तो F4 से भी कर सकते हो, और इतने सारे पॉइंट्स जो है वो स्नैप कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल अनसे क्लियर ऑल करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देन डायनामिक इनपुट रहता है। जब भी हम डायनामिकली इनपुट्स देते हैं, मतलब जैसा सपोज़ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, डिस्टेंस और एंगल जो आ रहा है उसका, या जब हम लाइन लेते हैं तो हमारे पास में जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये आता है डायनामिक इनपुट के वजह से। ओके, तो अगर ये आपने बंद कर दिया यहाँ पे इनेबल डायमेंशन इनपुट वेयर पॉसिबल और इनेबल पॉइंटर इनपुट, तो क्या होगा, आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखेंगी। देखिए, डायमेंशन भी नहीं दिख रहा और पॉइंटर इनपुट भी यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इसको हमेशा ऑन रखना है, हमारा जो ड्राइंग है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, देन इसके बाद में आता है क्विक प्रॉपर्टीज़। जैसा हम अगर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन ड्रॉ करने के बाद में अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो हमको सिलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करना पड़ता है। वो ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यूसली चाहिए तो हम क्या करेंगे, DS Enter कर लेंगे। देन यहाँ पर क्विक प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डिस्प्ले क्विक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर चेक कर लेंगे। ओके, देन जब भी हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में हमें क्विक प्रॉपर्टीज़ हमेशा देंगे। जैसा हमने सेलेक्ट किया तो वैसे हमें उसकी क्विक प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेयर चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप या लेंथ उसका चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। देन नेक्स्ट जो रहता है यहाँ पे, अगर ये आपको डायरेक्टली अगर शॉर्टकट से करना है तो आप Ctrl+Shift+P से भी इसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन रहता है हमारा क्विक प्रॉपर्टीज़ के बाद में सिलेक्शन साइकिल रहता है। अगर अलाउ सिलेक्शन साइकिलिंग कर दिया हमने तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कहाँ पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा ये लाइन बनाया हमने और इसके ऊपर एक और लाइन है हमारा। ओके, तो दो लाइन हो गए हैं, एक लाइन थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर सिलेक्शन में हमको ये एक लाइन है, ये दो लाइन है, तो हम जब ये लाइन पर क्लिक करते हैं तो यही लाइन सेलेक्ट होता है। बट कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलाउ सिलेक्शन साइकिल को ऑन कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग जितने भी लाइन्स हमने बनाए हैं वो पूरे यहाँ पे सिलेक्शन में आ जाते हैं। देखो, पहला लाइन, दूसरा लाइन और नन, तो जो भी लाइन चाहिए हम वो अलाउ सिलेक्शन साइकिलिंग करके यहाँ से ले सकते हैं। ओके, सो ये डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं हमारे ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में। इतने ऑप्शन हमें ड्राफ्टिंग के लिए लगते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।